जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। व्यूअर्स, फिर एक वही टॉपिक जो मैंने पहले भी अपलोड किया, लेकिन ये जो वीडियो थी वो किसी वजह से जो है मुझे फिर ये डिलीट करनी पड़ी। तो अब ये दोबारा, ये टॉपिक जो है मैंने इसको दोबारा जो है इस वीडियो को फिर अपलोड किया है। अब ये दोबारा मुझे बनानी पड़ी है, और आई होप कि आप उसको उसी तरह इंजॉय करेंगे जैसे आपने इस वीडियो को पहले इंजॉय किया। हाँ जी, जो वीडियो है असल में इस पे बहुत ज्यादा जो है इसरार था कि ये जरूर जो है आपने बनानी है। एक हमारे सब्सक्राइबर जो थे उनको ये डायग्नोसिस है, तो वो कह रहे थे कि भाई मैंने बहुत से डॉक्टर्स को कहा कि इस पे वीडियो बनाएं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर अब उन्होंने दायरे मुझे रिक्वेस्ट की थी कुछ मंथ्स पहले, तो फिर ऐसे हो नहीं सकता कि उनका दिल तोड़ा जाए और उनके लिए जो है एक वीडियो अपलोड ना की जाए। ठीक है, और असल में मसला ये भी है कि ये जो बीमारी है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं, सारकाइडोसिस, ये है भी कोई ऐसा एक, आप सोचें कि ऐसा डायग्नोसिस जो कि काफी रेयर होता है, लेकिन जाहिर है कि किसी ना किसी 1% पॉपुलेशन में किसी ना किसी को जो है ये डायग्नोस हो जाता है। तो उस पे जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो बाज़ोका तो आपको जो है ना अपनी लैंग्वेज में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो फिर ये उन सब लोगों के लिए है कि जो कि इसके मुतलाशी हैं अपनी बीमारी को जानने के लिए। तो चलें इस बात को लंबा नहीं करते, तो इसमें सारकाइडोसिस के बारे में आज कुछ बात करते हैं। ठीक है जी, वंस अगेन, अच्छा जी, ये क्या बीमारी है? देखें, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रोनिक, देखें, दुनिया में जितनी भी बीमारियां ना, मैं आपको बताऊं, वो या तो फिर होता है कि भी वो कंजेनिटल होती है, यानी कि वो जो है वो मतलब बाय बर्थ आपके अंदर मौजूद है। ठीक है, या फिर ये होता है कि वो उनका जो स्टार्ट होता है वो एक इन्फ्लेमेशन से होता है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां होती हैं वो जिसको हम कहते हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आती हैं, जो कि जैसे अब आप कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसे आप ट्रीट करते हो। वायरल को तो है ट्रीट भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही ठीक हो जाता है। यानी ये जो एक हफ्ते के अंदर वाले जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उन्हें हम कह देते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन जी हुई है। और जो इससे ज्यादा जो लंबे अरसे तक जो इन्फेक्शन चलते हैं, तो फिर हम उन्हें कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी, जो सालों तक चलते हैं या कई महीनों तक चलते हैं, कई हफ्तों पे मुहित होते हैं, तो फिर वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो डिजीज है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी है, और ग्रैनुलोमेटरी ग्रेनुलोमेटस डिजीज इसे कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ग्रेनुलोमेटस क्यों है? क्योंकि जो है ना इसमें ग्रेनुलोमास बनते हैं डिफरेंट जगहों पे। अच्छा, अब वो ग्रेनुलोमास क्या होते हैं? ग्रेनुलोमास जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो जैसे एक सर्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है। यानी कि देखें, एक आपके जैसे अब फॉर एग्जाम्पल किडनी है। ठीक है जी, अब किडनी में ग्रैनुलोमा हमने देखा, वो जाहिर है ग्रैनुलोमा आपको वैसे नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जब उसको किडनी का एक पार्ट उतार के जब देखते हो आप माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको जो है जो स्ट्रक्चर नजर आती है उसमें क्या होता है कि वो जो सेल्स जो होते हैं ना एक टिश्यू के अंदर, वो ऐसे यानी वो गोलाई में जैसे अरेन्ज होते हैं। ठीक है जी, अब वो यूजली जैसे अब टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे आप कहते हैं, वो भी एक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है। ठीक है, तो उसके जो ग्रैनुलोमास होते हैं ना, उसके अंदर जो हमें नजर आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं केजियस ग्रैनुलोमास। अच्छा जी, केजियस क्या होता है? केजियस का मतलब होता है कि वो जो ग्रैनुलोमास होते हैं ना, उसके अंदर हमें चीजी सा मटेरियल नजर आता है। ये थोड़ी सी ये मेडिसिन की बात है, लेकिन जो बच्चे जाहिर है मेडिकल स्टूडेंट भी कुछ मेरे फॉलोअर हैं, तो वो उनको समझाने के लिए कुछ बातें जो है वो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो ट्यूबरक्लोसिस हो गया उसके केजियस ग्रैनुलोमास होते हैं, और सार्कोइडोसिस जो है उसके नॉन केजियस ग्रैनुलोमास होते हैं, यानी इसमें कोई सेंटर में कोई चीजी मटेरियल नहीं होता, और ग्रैनुलोमास आपको नजर आते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी तय। अच्छा, अब इसके अलावा सार्काइडोसिस जो है वो एक मल्टी सिस्टम डिजीज उसे कहते हैं। मल्टी सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें आपके लंग्स सबसे पहले जो होता है, जो चीज जाती है बाजू का, वो लंग्स ही होते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो है सॉरी जो सिम्टम्स आते हैं या जो अलामात आती हैं वो आपके अंदर यानी आपके सांस से मुतल्लिक होती हैं बाज़ औक़ात। ठीक है जी, तो इसको मल्टी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर बाज़ औक़ात जो होता है ना आपकी, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि वो आपके और सिस्टम जैसे हार्ट पे भी असर पड़ जाता है, उसमें भी ये जो है ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, किडनीज में बन जाते हैं। तो फिर जिधर जिधर ये ग्रैनुलोमास बनते हैं तो वहां पे जो है ना वो सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है जी,
इस तरह से ये डिजीज है, तो इसको जो है ना मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ये डिजीज कभी पसंद नहीं होती, क्योंकि जो है ये काफी मुश्किल लगती है। ठीक है जी, एज ग्रुप जो है हमने पहले भी बात की थी कि 20 to 40 years यूजली होता है, लेकिन ज़ाहिर 40 to 50 के दरमियान भी ये नजर आ सकती है, चीज को जरूरी नहीं है। ठीक है जी, और फीमेल ज्यादा इसमें नजर आती है मुतासरा, लेकिन मेल्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जेनेटिक्स, अबाव अजदाद में अगर कहीं कभी किसी को थी तो वो एकदम से आपके अंदर वो जीन आ गई, और वो जीन जो है वो बाजू का जो है वो माहौल में, ऐसे माहौल में जो है ना जब उसको एक साजगार सा माहौल नजर आता है तो वो वाली बीमारी जो होती है वो उछल के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे नसीब है, बस जेनेटिक्स आपको किसी को अच्छी मिली होती है। अब देखिए ना, जैसे आंखों का कलर है वो अब हर एक का डिफरेंट है, तो ये जेनेटिक्स है। किसी के मतलब कोई और स्किन कलर अच्छा है, ये भी जेनेटिक्स की वजह से है। और कोई किसी को अच्छा जो कुछ मिला हुआ है, जैसे हाइट है तो ये भी उसे गुड जेनेटिक्स मिली है। इसी तरह बीमारियां जो होती हैं वो भी आपकी जेनेटिक्स में बाजू का ना आ जाती है। तो ये इनमें सबसे पहले इसकी वजह जो है जेनेटिक्स। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर सिबलिंग, अगर आपके जैसे बहन भाइयों में किसी को हो गई डिजीज, ठीक है, तो आप में चांस है, इसमें 15 to 20% होता है कि आप में भी ये हो सकती है। तो अगर ऐसा हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है ना स्ट्रेसफुल चीजों से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। ठीक है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि देखें, अगर आपके खानदान में एक बीमारी चली आ रही है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब जैसे आपके चाचा को डिप्रेशन हुई, ठीक है, आपके और जो चाचा के कजन्स हैं उनको डिप्रेशन है। अब देखें, डिप्रेशन भी जेनेटिक उसकी वजह होती है। ठीक है, और आपके जो भाई हैं कोई इक्का दुक्का, उनको भी डिप्रेशन हो गई, आपकी बहनों को भी डिप्रेशन है। अच्छा, तो अब आप देख रहे हो कि आपकी खानदान में डिप्रेशन है। ठीक है, तो फिर ऐसा जो शख्स है वो उसको ये चाहिए कि वो ऐसे शोबों में ना जाए जिसमें स्ट्रेस होती है। ठीक है, और स्ट्रेस किन शोबों में है? जैसे मेडिसिन में स्ट्रेस है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आपकी हाईली स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, आपसे कोप नहीं होगी। फिर ये होगा कि जो आपके अंदर जो डिप्रेशन की जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी किसी भी आपकी फेज में, लाइफ की फेज में। ठीक है, और फिर वो वाली जो आपकी जीन्स हैं वो रिवील हो जाएंगी, फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, फिर आप जो है उस तरह से अपनी जिंदगी जो है वो सही तरह से गुजार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो भी मतलब आप अगर आपको लगता है कि जेनेटिकली जो है ना आपके मतलब फैमिली में कोई ऐसी बीमारियां हैं मौजूद, जैसे डिप्रेशन है, जैसे यही सारकाइडोसिस होगी, कुछ फैमिलीज में आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नजर आता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जो यंग पीपल होते हैं, और ऐसी जॉब्स लें जिसमें कि बहुत ज्यादा सर खपाई और इस तरह की जो है ना, देखें और जैसे पुलिस की जॉब है वो कितनी स्ट्रेसफुल है, और इसके अलावा और भी आप गिन सकते हो आप इर्द गिर्द के कौन सी जॉब्स जो हैं वो, देखें ना जिसमें नाइट ड्यूटीज आती हैं वो जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा जाहिर है डॉक्टर्स नर्सेज इंसानी जानों के साथ डील करते हैं तो वो भी स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं। ठीक है जी, तो इसमें से ना आपको दूर रहना होता है। अच्छा जी, इसमें मेटल फैक्ट्री वर्कर्स जो देखी गई ये बीमारी, और जो लोग इंसेक्टिसाइड जैसे आप किसान वगैरह हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये ना बीमारी देखने में आ। अच्छा जी, सिम्टम्स जैसे थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया, एकदम से एक बंदे को थकावट रहने लगे, वेट उसका कम होने लगे, गर्दन में गिल्टियां नजर आए। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर देखा गया तो वो जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, वो काफी ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है वो एक ड्राई कफ रहने लगी। ठीक है, एक तो होती है ना बलगम वाली कफ, एक होती है बिल्कुल खुश्क खांसी। तो इसमें खुश्क खांसी होती है जो कि कई महीनों से यार वो बिल्कुल वायलेंट सी है और बिल्कुल वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा कि वजन कम रहने लगा। ठीक है, आप पहले एक बेशक मतलब 100 किलो के एक आदमी थे, तो अब एकदम से जो है ना आपका वजन आ गया, आप समझें कि 60 किलोज पे आ गया विदाउट एनी रीजन। ठीक है, तो ये मतलब परेशानी की बात होगी। अच्छा, वीजिंग है, चेस्ट पेन है। अब जैसे अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं ना बहुत कुछ इसमें भी आ जाते हैं इसी तरह के, लेकिन यह है कि इसमें साथ सीने में दर्द होगा। ठीक है जी, और आपने देखा कि इसके अलावा स्किन में भी बाज का कुछ लोगों को शुरू में आ जाते हैं सिम्टम्स, ये तो चले आईज के हैं। स्किन में ये होता है कि रेडिश पर्पल जो होते हैं ना, ऐसे ब्लॉचिस कह लें या बम्प्स कह लें, वो आपके जो है ना आपके टखनों पे और आपकी टांगों पे जो है ना फ्रंट ऑफ जो लेग्स होती है तो उस पे नजर आने लगते हैं। ठीक है जी, अच्छा, आईज में अगर ग्रेनुलोमास बन जाएं तो उधर जो है क्या होगा कि फिर वो आपको सही तरह से नजर नहीं आएगा, आंखों में दर्द होगा, और जो रोशनी है वो आपको मतलब वो आपको
वो जिसे कहते हैं ना फोटो सेंसिटिविटी से कहते हैं उसमें, जैसे आप सूरज में आप जाओगे तो आपकी आंखों में खारिश होने लगेगी, ठीक है, या आपसे बर्दाश्त नहीं होगी रोशनी, आपका दिल करेगा बस अंधेरे में बैठूं। तो ये भी जो है ना सिम्टम्स होते हैं जो कि बाज़ आईज में ग्रैनुलोमास की वजह से आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी किडनीज में भी ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, उसकी वजह से भी पेशाब में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक आप समझें कि उसका कलर जो है हो सकता है कि वो एक मतलब व्हाइट कलर का जैसे कहें, या भद्दे रंग का सा पेशाब आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है किडनीज का जो फंक्शन है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमने देखी। अच्छा, डायग्नोज कैसे करना है जी? सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे होता है, उस पर पता चल जाता है। ब्रोंकोस्कोपी फिर होती है, ब्रोंकोस्कोपी कैमरा डालते हैं अंदर और टिश्यू लेते हैं, फिर उसको जो है माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर हमें पता चल जाता है अच्छा जी ये ग्रैनुलोमास है इसमें, तो ये जो है आपकी सार्कोइडोसिस है। सीटी स्कैन ऑफ लंग्स होता है। अच्छा जी, फिर जो है अच्छा जी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो है इसकी कोई खास नहीं है, प्रेडनिसोलॉन पैरासिटामोल बस, और कुछ भी नहीं। उसके अलावा बस सिम्टोमेटिक ही चलता है इसका जो तरीका है। अब देखिए स्टीरॉइड्स है, प्रेडनिसोलॉन आपको पता है, तो वो जो है ना ऐसी ट्रीटमेंट, जितनी भी क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस आप देखोगे उसमें बस स्टीरॉइड्स जो है ना वो मेडिसिन जो हमारे वाली है वो एलोपैथिक मेडिसिन जिसे कहते हैं, उसमें सिर्फ इसका इलाज जो होता है ना वो स्टीरॉइड्स होते हैं, वो दे देते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये भी होती है कि मेडिसिन जो है मतलब उसकी लिमिट्स आ गई, जहां पे भी आप स्टीरॉइड्स इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो इसका मतलब है कि भाई आपको समझ नहीं आ रही कि इसको मारना कैसे है या इसका कैसे इलाज करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जहां पे भी फिर डॉक्टर्स को समझ नहीं आती तो वहां पे वो स्टीरॉइड शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि फिर बात ये भी होती है कि फिर उसको ट्रीट कैसे करें, उसको कैसे काबू करें, क्योंकि फिर स्टीरॉइड देते हो तो फिर वो एक मतलब एक आखिरी सा हल होता है, तो फिर उससे जो है ना वो बीमारी काबू आ जाती है। ठीक है जी, अच्छा फ्लेयर्स होते हैं, फ्लेयर्स का क्या मतलब है कि कभी चली गई ये बीमारी कभी फिर आ गई, कुछ माह के लिए आई उसके बाद कुछ माह के लिए गायब हो गई, एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए आई फिर हो सकता है कि 3 4 माह 5 माह जो है नजर ही ना आए। ठीक है, तो ये इसकी एक गुड पॉइंट भी है कि चलें कुछ अर्सा तो ये गायब ही रहेगी। अच्छा जी एस लेवल्स, अच्छा जी एस लेवल्स क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल्स, और ये क्या यूज होते हैं? ये इस बीमारी को मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं। जिन भी लोगों में जो सार्कोइडोसिस होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई इस ये जो है ना ये एक एंजाइम होता है, इसके लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम जो है ना एक्चुअली जब आपकी बॉडी में आपकी ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, ठीक है, तो ये एंजाइम जो होता है ना ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है, यानी आपकी बॉडी में बढ़ता है, वो इसलिए कि ये ब्लड प्रेशर को अप करता है। तो इस बीमारी में देखने को ये मिला कि ये एस जो है ये ऑलरेडी इन लोगों का हाई होता है, तो इसलिए जब आप इस बीमारी की सेवेरिटी चेक करते हो ना, यानी इसकी भी कितनी ज्यादा ये बढ़ी हुई है, तो आप एस लेवल्स ब्लड लेते हो, उसको एस लेवल्स उसमें देखते हो। ठीक है, क्योंकि इससे फिर एस लेवल से पता चल जाता है कि अच्छा भी ये बीमारी जो है किस लेवल पे चल रही है इस वक्त। जी अच्छा जी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका करते हैं, जाहिर ट्यूबरकुलोसिस से ये कुछ मिलती जुलती बीमारी है, लेकिन फिर हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस के ग्रैनुलोमास का फर्क होता है, मिलती जुलती है क्योंकि इसमें भी वेट लॉस आ रहा है, उसमें फीवर नहीं है, लेकिन फीवर भी कुछ सार्कोइडोसिस की टाइप्स होती है उसमें हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसकी कुछ मिलती जुलती सी है। जैसे देखें ड्राई कफ है, इसमें भी है, ट्यूबरकुलोसिस में भी होती है, और वेट लॉस इसमें भी है उसमें भी होता है। ठीक है, तो ये मिलती जुलती सी कुछ बात है, लेकिन ये टीबी नहीं है। अच्छा जी, फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि मिलते जुलते होते हैं, तो वो भी उसमें भी आ जाता है फंगस। देखिए मैंने एक काली ब्लैक फंगस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो देखिए जब फंगस भी जाके जब आपके लंग्स में बैठ जाती है और आप उसके वो फाइट बैक नहीं कर सकते हो, तो वो भी बहुत डेंजरस हो जाती है और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है फंगस अगर लंग्स में है तो। इसलिए घरों में वो जो ब्लैक वाली फंगस होती है उसको आप जो है ना उसको जरूर उससे निजात हासिल करें। अब वो मेरी वीडियो जरूर देखें, वो अच्छी थी, पता नहीं वो आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी। अच्छा जी, वैसे अब सोचने की बात है कि आप कहेंगे कि भी अच्छा भी मैं फ्लेयर्स को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, मैं जो है एक लाइफ गुजारना चाहता हूँ जो कि सेहतमंद हो, और फ्लेयर्स जो है वो कभी कभी आया करें, हर वक्त जो है फ्लेयर्स मुझे ना हो, ये बीमारी बस दूर ही रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शहद का इस्तेमाल करें, जो रिफाइंड शुगर है सफेद वाली वो कम लें, गुड़ का इस्तेमाल करें, ठीक है जी, और मोर फाइबर डाइट लेनी है आपने, सब्जियां खाएं, सब्ज पत्तों वाली जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपने जरूर खानी है। ठीक है जी,
और फिर जो है गंदम जो है ना कुछ अरसे के लिए तर्क कर दें, कुछ महीनों के लिए, और फिर देखें कि अगर इस दौरान जो है आपकी बीमारी कोई कंट्रोल में आई नहीं आई, क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये वाली जो क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, जब आप गंदम का इस्तेमाल छोड़ देते हो तो फिर जो है ना वो बाज़ औक़ात, और चावल पे शिफ्ट हो जाते हो तो ये बाज़ औक़ात काबू में आ जाती है, ये भी देखने में आया। अच्छा, पानी बहुत जरूरी है, पानी आपने रोजाना 6 से 8 ग्लास जो है ना लिख के लगाएं कि मैंने पानी पीना है, ठीक है। और अपने साथ बॉटल रखें पानी की, और वो जहां जहां आप हों तो वो आपके साथ पानी की बॉटल हो, क्योंकि ये ना हो कि किसी जगह पे आपको ग्लास नहीं मिले, पानी ना मिले, कुछ इस तरह से। आपको पता है हर जगह अपने हालात होते हैं, जहां पे भी जिस भी कंट्री में आप हैं, ठीक है। लेकिन आप पानी की बॉटल अपनी साथ रखें, ये आपकी सेहत के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है जी। और क्या, एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक करने जाएं, और जैसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं हिलें जुलें वो जरूरी है। और ये 5 डेज, 30 डेज, 30 मिनट्स फॉर 5 डेज जो है ना, मतलब हफ्ते में से 5 दिन 30 मिनट के लिए आपने जरूर जाना है, ठीक है। वॉक के लिए जाएं, एक्सरसाइज करें, जो भी करें। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, आप घर में अगर हैं जैसे लॉकडाउन है तो आप यूट्यूब से देखें वीडियोस, और साथ खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं, और साथ मतलब एक्सरसाइज सबकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर आप करें। अच्छा जी, और लाफ्टर थेरेपी देखें, ये दुनिया भर में जो है बाज़ औक़ात ये कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलती है। बूढ़े बूढ़े से जो लोग होते हैं, बीमार होते हैं, वो जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, बस वो हंसते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से मतलब तनाव में रहना, गुस्से में रहना, ये भी ठीक नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए। तो जरा हंसना, खिलखिलाना, दूसरों को हंसाना, ये जरूरी होता है अच्छी सेहत के लिए। तो ये भी जरा प्रैक्टिस करें। अगर आप पहले से एक मतलब इंसान है जो परेशान, देखे ना कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा ज्यादा परेशानियां लेते हैं, उन्हें ज्यादा हर वक्त परेशान रहने की आदत होती है, तो वो ज्यादा जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा जिंदगी को एंजॉय करें, इसको लाइट रखें, और स्ट्रेस अपनी कम लें, और इसको स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा परेशानियां सर पे ना सवार करें, कहीं लिख लें, जो अगर कोई जिंदगी में कोई ऐसी बातें हैं जो आप मतलब किसी से शेयर नहीं कर सकते तो आप कहीं डायरी में लिखें, पानी में बहा दें, फिर इस तरह से ये है कि दिल का गुबार जो है वो हल्का हो जाता है। अच्छा जी, दूसरों के हेल्प करने से भी जो है ना अंदर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव केमिकल्स आते हैं, तो कोशिश करें कि किसी से कोई अगर मतलब किसी के साथ कोई हेल्प आउट कर सकें। और फॉरगिवनेस बड़ी जरूरी है जी। फॉरगिवनेस ये है कि किसी को माफ कर देना, कोई दिल में आपके कोई होता ही है, कोई क्रोध होता है, कोई दुख होता है, कोई कभी दिल टूटा होता है, किसी बहन भाई के हाथों, कोई माँ बाप के हाथों, या कोई किसी और के हाथों को दिल टूटा, तो बेहतर होता है कि माफ कर दें। माफ करने से ये होगा कि आपके अंदर जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और वो जो एक बोझ है जो आपकी रूह है वो आप अलहदा कर लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी का बोझ है हर वक्त कुछ भी है, देखिए हम अगर इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक है, और उसमें जो है बाजू का चीजें हमें वो नहीं मिलती जो कि हम चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग जाहिर अपनी जात से जुड़े होते हैं, हम लोग तंग आ जाते हैं, हम लोग किसी को माफ नहीं करना चाहते, लेकिन अल्लाह माफ कर दे तो उसके बहुत अच्छे नतायज जो है ना आपको मिलेंगे हमेशा। अच्छा जी, पॉजिटिव वाइब्स में रहें, अच्छे लोगों में रहें, और जिन लोगों से आपको लगता है कि इनका जो है इनमें पॉजिटिव एनर्जी है तो उनके साथ जरूर आप टाइम गुजारें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप जो है आपके अंदर भी जो है ना वो पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव लोग जो कि हर वक्त बुरी बातें करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जो है ना एक थेरेपी मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखें, जो मैंने पढ़ी गई वो थी स्विट्जरलैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें जो था वो लोग जो थे वो दरख्तों के पास जाते थे, मतलब जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर होता था, इस थेरेपी का नाम मुझे नहीं याद रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, ट्री हगिंग थेरेपी, हाँ जी, ट्री हगिंग थेरेपी ये थी कि वो जाके ना वो उन्होंने उसको जाके वो दरख्त जो थे उन्होंने सोचा हुआ था कि ये हमारे हीलर हैं। आई थिंक ये स्विट्जरलैंड का कोई था, कोई जगह उसमें ना वो ट्रीज वो कहते थे कि ये हमें ना हील करेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से उन्होंने ब्लड प्रेशर और डिफरेंट जो उनकी पुरानी बीमारियां थी, स्विट्जरलैंड या आई थिंक अगर हॉलैंड नहीं है तो स्विट्जरलैंड और हॉलैंड दोनों में से कोई एक जगह थी। तो वो पर आप डालें अगर इंटरनेट पे ट्री ट्री
ट्री हगिंग थेरेपी, तो उसमें आपको निकलेगा कि लोग जो है ना वो ट्रीज को जाके कोई हग कर लेते थे, या उधर ही फिर थोड़ा टाइम उनके साथ गुजारते थे, या ट्रीज के साथ टाइम गुजारते थे. उन्हें होता था कि भाई हम जो है ना हमारी नेगेटिव एनर्जी ये ट्री ले लेगा, दरख्त, और दरख्त की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो हम ले लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी. तो देखें ये भी दुनिया में क्या क्या चीजें जो है वो प्रैक्टिस लोग करते रहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हमें चाहिए कि दरख्त लगाएं और जो है ये इस चीज को भी ध्यान दें कि ये हमारे लिए कितने जरूरी है. तो ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.